आज मुजफ्फरनगर की मुस्लिम महिला श्रीमती लुबना निवासी मुजफ्फरनगर ने जिलाधिकारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उसकी शादी वर्ष 2016 में कुकड्डा मुजफ्फरनगर में हुई थी। उसके पिता ने शादी में काफी दान दहेज दिया था, किंतु शादी के कुछ समय पश्चात से ही उसके ससुराल वाले उसके पिता द्वारा दिए गए दान दहेज से खुश नहीं थे तथा कम दहेज लाने के कारण प्रताड़ित करते तथा मारपीट करने लगे थे, जिस कारण उसके पति और उसके बीच में विवाद मान्य न्यायालय में चल रहा है तथा वो अपना समस्त स्त्रीधन व कीमती जेवरात एक सेफ में अपनी ससुराल में ही एक कमरे में रखकर आ गई थी। वह सिर्फ अपने कपड़ों में आई थी। इसी बीच उसकी ससुराल के परिवार वालों ने लॉकर तोड़कर उसका समस्त सोने चांदी के कीमती जेवरात निकाल लिए हैं। जब उसने अपनी ससुराल वालों से इस संबंध में कहा कि आप लोगों ने मेरे कीमती सोने चांदी के जेवर ताला तोड़कर क्यों निकाल लिए हैं, तो उन्होंने इस महिला को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम लुबना है, मैं मोती महल से आई हूँ। शादी मेरी अहमदनगर कुकड़ा में हुई है। सर, मेरी शादी 14 अगस्त 2016 में हुई थी। मुझे 6 साल से इन लोगों ने प्रताड़ित कर रखा है, पार पीट के बाहर निकाल रखा है। मेरे ससुराल वालों ने शबाब आलम, हनीफ खान, सईदा बेगम, तायरा, रफिया, खुर्शीद और क्या नाम है निसार और क्या नाम है आपका ये जो खलील है, रसीद है, इन सभी मिलकर उन्होंने सबने मेरा सामान निकाला है। ये सारे मौजूद थे वहाँ पर। और अब मेरे पास जो वीडियो क्लिपिंग मिली है उसमें सारा दहेज निकालते हुए सारा सामान चोरी करते हुए की वीडियो क्लिपिंग है मेरे पास। उन्होंने क्या किया, सामान कम मिला है, सामान और लेके आ, गाड़ी लेके आ, जबकि मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छा सामान दिया है उनको। जब सामान देते रहे, लड़का कुछ नहीं करता बिल्कुल भी, मेरी कमाई खाता रहा और मैं बहुत परेशान हूँ। और मुझे धमकी दी है उसने, 5 दिन पहले भी धमकी दी है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ससुराल वाले आए दिन मुझे धमकी देते रहते हैं, कहते हैं हम फैसला कर लेंगे, फैसला कर लेंगे, फैसला नहीं करते हैं वो लोग। बताइए मैं कहाँ जाऊँ? मैंने डीएम कहा मैं वीडियो दिखाना चाहती हूँ जो उन्होंने चोरी करी है, ताला तोड़ के सारा सामान निकाला, मेरे पास वीडियो क्लिपिंग है, चाहे तो आप देख सकते हैं उस वीडियो क्लिपिंग को। पुलिस थाने जाती हूँ, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है मेरे पास। माननीय न्यायालय में चल रहा है वो तो आपको पता ही है, पर पुलिस भी तो कार्रवाई करे, कोई एक्शन नहीं ले रही उनकी। वो कह रहे कि तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे इंसाफ चाहिए सर। पहले भी की थी सर, उन्होंने कोई सुनवाई मतलब उनको कहा था, उन्होंने कहा कि हम फैसला कर लेंगे, हम आना समझाएंगे, सब कुछ करेंगे, कुछ नहीं। मेरे पास आई भी उनके हाथ से तरफ से समझौते के लिए, पर कुछ नहीं करते, धमकी पे धमकी आ रही है, सामान जेवर सब निकाल लिया जो मैं अपना स्त्रीधन वहां छोड़ के आई हूँ। उन्होंने सर थाना नई मंडी से मेरा लगा हुआ है मुकदमा और वो लोग भी कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि आपके माननीय न्यायालय में चल रहा है। बताइए मैं कहाँ जाऊँ? चोरी जो हुई है इसका क्यों नहीं एक्शन लेते पुलिस वाले जो सारा सामान निकाल दिया? मेरे पास तो वीडियो क्लिप, उन्होंने ताले कैसे तोड़वाए? मेरे पास तो चाबी थी, मैं लॉक करके आई हूँ पूरे घर को, उन्होंने सारों की चाबी बनवाई है, मेरे पास वीडियो है उनकी। सर मुझे इंसाफ चाहिए बस।